वैसे नॉर्मली क्या होता है कि आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आज फॉर अ चेंज मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ. व्हाई डू वी स्टार्ट स्मोकिंग? दोस्त हमें प्रोवोक करते हैं तो हम शुरू करते हैं. हाँ, मींस लाइक ओ यार वो भी करता है, चल तू भी करके देख एक बार. हाँ, ट्राई तो मार, ट्राई. हाँ, तो मार यार. एक बार ट्राई करने में क्या जाता है? कितने लोग मानते हैं ये बात सच है? दोस्त हमारे पी रहे हैं या तो वो फोर्स करते हैं, फोर्स नहीं भी करते तो हमारे अंदर से आता है चल यार ट्राई तो कर लेता हूँ, देख लेता हूँ ना क्या है क्या नहीं है. एक बात कभी सोची है कि जो दोस्त आपको फोर्स कर रहा है सिगरेट पीने के लिए या आपको बोल रहा है सिगरेट पीने के लिए, क्या वो आपका दोस्त है? कौन है वो आपका दुश्मन है? डू यू हैव एनी आइडिया कि जो निकोटिन है, ये पता है ना सबको सिगरेट में निकोटिन होती है, ये पता है कितनी एडिक्टिव है ये? इट इज मच मोर एडिक्टिव देन एल्कोहल. समझ पा रहे हो कितना खतरनाक स्टेप है अगर आप गलती से भी मजे के लिए भी उठाते हो तो, कि एक बार ट्राई करने के लिए भी उठाते हो. सबकी शुरुआत ऐसी होती है, ट्राई करते हैं और सबको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं तो छोड़ दूंगा, मैं तो जब चाहे छोड़ सकता हूँ, मैं तो बस मजे के लिए एक आध कभी कभी लगा लेता हूँ. होता है ना, ऐसे ही सबकी शुरुआत होती है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सो दिस मस्ट बी वेरी क्लियर कि नंबर वन तो अगर वो दोस्त आप जिनको दोस्त कह रहे हो आपके दोस्त ही नहीं है, नंबर टू ये करना बहुत बड़ी बेवकूफी है बिकॉज इट इज वेरी वेरी एडिक्टिव. सर मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसा है कि 70% फ्रेंड जो है कि स्मोकिंग करते हैं. कई मैंने जब ऑब्जर्व करा है कि सारे फ्रेंड इकट्ठे होते हैं तो सारे अपनी अपनी बोलते हैं तेरी क्या कैपेसिटी है, तेरी क्या कैपेसिटी. कंपटीशन हो जाता है इसमें. मेरी इतनी कैपेसिटी है और मैं इतनी गहरी खींच सकता हूँ, इतनी देर तक रोक सकता हूँ, ये भी होता है ना. रोक के बैठे भैया, बेटे रोक ले तेरे को जितना रोकना है, उसके बाद तेरी जिंदगी रुकेगी आने वाले टाइम में. पता नहीं है लोगों को वो कर क्या रहे हैं, मतलब कहाँ फंस रहे हैं. अभी आप लोगों को भी इतना आइडिया नहीं है बिकॉज आपकी एज ग्रुप में आपको पता नहीं है इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं. मेरे सामने बड़ा क्लियर है. इनफैक्ट मजे की बात क्या है, मेरे कुछ दोस्त हैं उनको उनको पहली सिगरेट मैंने पिलाई थी. आयो सारे कमाल के सुट्टे आ जाए चेन स्मोकर्स और मैं छोड़ चुका हूँ. तो मैं देख पा रहा हूँ उन बेचारों का क्या हाल हो रहा है. तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कंपटीशन करना ही है तो ढंग की जगह पर करो ना. आप कॉम्पीट करो कि मैं एक भी नहीं पीता हूँ. देखते हैं तुम में से कौन है जो एक भी नहीं पीता है. एक्चुअल में तो आप ही समझदार हुए ना. ऐसे कॉम्पिटिशन करो कि मेरे को इतने साल हो गए हैं, मैं 18 साल का हो गया हूँ लेकिन आज तक मैंने एक भी सिगरेट नहीं पी है. तुमने कितनी पी है? अच्छा 100, तो तू बेवकूफ है. तूने कितनी पी है? 1000, महामूर्ख है. और तूने कितनी पी है? 10,000, अबे तू तो सबसे बड़ा. बताइए आपने कैसे छोड़ी थी? आपने भी स्टार्ट करी थी 11th से, आपने बताया था तो आप फ्रेंड सर्कल में पढ़ गए थे, जिम जाते थे, तो फिर सब कुछ पता है आप लोगों को मेरे बारे में. देखो आप में से जो लोग पीते हैं ऑलरेडी उनको मैं बता देता हूँ बिकॉज अभी अगर छोड़नी है तो ये राइट एज है. अभी आपकी एज क्या है? 16-17 साल, 18 साल. तो अभी आपको अगर पी भी रहे हो तो कितना टाइम हुआ है? 1-2 साल. तो अभी आप ऐसे छोड़ सकते हो चाहो तो. जब लाइफ में क्लियर हमको समझ आ जाता है कि अब मुझे कुछ करना है, ये जो सारे काम है ना विलो के काम है. मतलब करने के लिए कुछ है नहीं, दोस्तों के साथ में बैठे हैं, चल यार मैं भी लगा लेता हूँ. तो मैं भी एक ज़माने में महाविल्ला था, करने धरने को कुछ नहीं था. फिर अंदर से आया कि नहीं अब मुझे कुछ करना है, जैसे ही वो आया इमीडिएटली मैंने छोड़ दी. नंबर वन. नंबर टू, फिर उसके बाद दोबारा जब मन करता था मेरा पीने का तो मैंने अपने माइंड को इस तरीके से कंडीशन कर दिया कि जो सिगरेट का धुआं है अगर मेरे आसपास भी कहीं आता है तो मुझे खांसी आने लग जाती है. आती नहीं थी शुरू में कुछ दिनों तक, लेकिन मैं खांसता था. ये दोस्तों के साथ में खड़ा हुआ हूँ तो खांसने लग गया. अब मुझे एक्चुअल में आती है, मतलब एक्चुअल में बता रहा हूँ, अगर मेरे आसपास में कोई पिए तो आई कांट सिट देयर. तो शुरू में कुछ दिनों के लिए अपने आप को झूठ बोल सकते हो जिस वक्त आप छोड़ रहे हो, लेकिन ये झूठ बड़ी जल्दी सच बन जाएगा क्योंकि माइंड हमारा ऐसे ही काम करता है. जैसे किसी के दिमाग में बैठा हुआ आइसक्रीम खाते ही मेरा गला खराब हो जाएगा, गला खराब, जुकाम हो जाएगा, जुकाम. तो उनको हो ही जाता है जुकाम, आइसक्रीम से नहीं हो रहा है जुकाम. माइंड में एक तरह से आप कह सकते हो प्रोग्राम फीड हो गया है. आइसक्रीम को देखा मतलब जुकाम शुरू. खाने की भी जरूरत नहीं है, सूंघ लो, बहुत होता है ना. ऐसे ही सिगरेट का खेल है. क्यों शुरू करते हैं, स्टार्ट ही क्यों करते हैं? सर डिप्रेशन में, डेली रूटीन्स की फ्रस्ट्रेशन में कि बस यार बस थक गए अब. और उसके बाद लोगों को पीते हुए देखते हैं और आजकल बहुत कॉमन है, हुक्का बहुत चलता है आजकल. तो देख देख के लोगों को कि यार एक बारी ट्राई करते हैं, दो बारी. फैशन ट्रेंड हो गया है, ट्रेंड हो गया है, ट्रेंड हो गया है. हुक्का पार्टी बिना हुक्का के तो अधूरी है. हाँ, हुक्का पार्टी राइट, कूल वाली फीलिंग. कूल है, कूल है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, प्लीज हैव अ सीट. कूल,
राइट, सिगरेट पीना, हुक्का पीना, इज इट रियली कूल? सच सच बताना, मतलब स्पेशली लड़कों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लड़कों को लगता है कि भाई मैं स्टड लगूंगा अगर मैं अपने बाइक के साइड में खड़ा हूँ, सुट्टा मार रहा हूँ, लड़की देखी क्या हो बंदा है, यही तो मुझे चाहिए था. ऐसा कुछ होता है क्या? कितनी लड़कियां हैं यहाँ पर, इतनी सारी बैठी हैं, बताओ कोई भी एक भी ऐसी है जो कहती है कि सिगरेट पीना कूल है? एनीबडी? तो ये मिथ है ना हमारा. इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि मैं बड़ा स्टड लगूंगा, मैं बड़ा कूल लगूंगा, मैं स्टाइलिश लगूंगा. इनफैक्ट एक्चुअल में कूल होने का असली मतलब क्या है? कि भेड़ बकरियों की तरह चलना, डूइंग व्हाट एवरीबॉडी एल्स इज डूइंग इज नॉट कूल, डूइंग द राइट थिंग इवन इफ नोबडी एल्स इज डूइंग इट इज कूल, इज रियली कूल. ये कूल वाला पॉइंट यहां पे हमारा कवर हो गया. नंबर टू, आपने क्या कहा था? डिप्रेशन. डिप्रेशन, हाँ, कि हमारी लाइफ में स्ट्रेस है, प्रेशर है, कई तरह के लाइफ में बड़ा बोर्डम है, वही सेम रूटीन, बार 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 गोल 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 घूम रहे हैं. तो हम क्या देखते हैं कि हाँ वो बंदे हैं सिगरेट पीते हैं या दारू पीते हैं व्हाटएवर, और वो बड़े रिलैक्स हो जाते हैं कुछ देर के लिए. तो हमको क्या माइंड में बैठ जाता है कि अगर अपने स्ट्रेस को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपने बोर्डम को, इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है तो ये एक ऑप्शन है. लेकिन रियलिटी क्या है? क्या सिगरेट पीने से या दारू पीने से या इन सब चीज़ों से लॉन्ग रन में, अभी एक दिन की दो दिन की बात नहीं करता, लॉन्ग रन में, मतलब एक साल बाद, दो साल बाद, पाँच साल बाद, दस साल बाद, क्या होता है? स्ट्रेस बढ़ता है इसकी वजह से या कम होता है? फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है. बोर्डम बढ़ता है या कम होता है? बढ़ जाता है. अब चाहिए चाहिए चाहिए, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है या कम हो जाता है? कम हो जाता है. कॉन्फिडेंस किसमें ज्यादा होगा? उसमें जो कहता है कि मेरे पास में मौका है, मैं चाहूं तो दारू पी सकता हूं, सिगरेट पी सकता हूं, लेकिन मैं नहीं पीता. या उसमें जो कहता है कि मैं छोड़ना चाहता हूं, बहुत बार कोशिश करी लेकिन नहीं छोड़ पा रहा. फर्स्ट वाले में, हाँ, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं कुछ सोच लूं तो मैं उस पर टिका रह सकता हूं. और दूसरा वाला बंदा क्या कह रहा है? मैंने बहुत बार कोशिश करी लेकिन मैं नहीं छोड़ पा रहा, नहीं कर पा रहा. और एक्चुअल में बताऊं तो उसकी भी इतनी बड़ी गलती नहीं है, बिकॉज इट इज सो स्ट्रांग. अगर इसके बारे में थोड़ा सा साइंटिफिकली पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि कितना खतरनाक एडिक्शन है ये, कैसे हम इस पर डिपेंड हो जाते हैं. और जैसे ही छोड़ते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं. ये आपको पता है कि जब छोड़ते हैं सिगरेट जो लोग, एक डिप्रेशन वाली स्टेट आ जाती है. मतलब इससे हम डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रहे हैं, उल्टा जिंदगी भर के लिए डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर हम डिप्रेस्ड हो रहे हैं. और उसके अलावा इसके कितने नुकसान हैं वो तो हमको पता ही है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ. भाई एडिक्शन की शुरुआत होती है एक से, यानी मैंने एक भी पी तो समझ जाओ आपके 90% चांस एडिक्ट होने के. तो एक एक जो होता है, राइट, तो अगर मैंने एक भी पी तो दैट मीन्स कि मेरे फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. फंसने के चांसेस इन द सेंस कि मैं अपनी लाइफ को ही खराब कर बैठूंगी. तो ऐसा कोई काम मत करो जिससे आपकी पूरी लाइफ खराब हो जाए.